हाँ रुक जाओ, बहुत अच्छा बेटा बोलो। मारिया सेड दैट हर मॉम हैड टोल्ड हर टू स्टे एट होम द प्रीवियस नाइट। हां द प्रीवियस नाइट, बहुत अच्छा बताया। सो मारिया सेड दैट हर मॉम, तो सर मैंने भी तो यही बोला। अच्छी बात है बेटा, चॉकलेट आप डिस्क्रिमिनेट करो, जो बोला जो बताया गया उन दोनों में डिस्क्रिमिनेट करना सीखो। अभी देखो उसने मारिया में बोला था, तब भी आपने उसको भी पॉइंट आउट किया कि मारिया सेम है, जब तो उसने अच्छा, अच्छा पकड़ा। डिस्क्रिमिनेट करना सीखो कि क्या बोला है क्या सुना। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? आप अपने कॉग्निशन से संज्ञान के द्वारा उसमें विभिन्नता करना सीखो। सही है। सो टू स्टे एट होम, स्टे एट होम, ठीक है। आगे बताओ खुशी, आगे क्या लिखे? द प्रीवियस नाइट, ओके। सेकंड, सेकंड के लिए आई सॉ द थीफ। The policeman said that he had sawed. नहीं सो गलत है, मैं बोलूँ had है ना, बोलूँ he had seen. The policeman said that he had seen the thief the previous night. The policeman said that he had seen the thief. अरे पूरी क्लास से अपोजिट बोल रहे हो। चलो गजेंद्र थर्ड बनाओ। आई फिनिश माय एसे ऑन एनवायरनमेंट सेड कॉल। आई फिनिश सर, रुक जाओ। करल सेड दैट हां ही फिनिश्ड। अच्छा बेटा सोनल सर मैं बता दी, रुक जाओ लास्ट। हां फिर से अगला चांस देंगे, बोलो। हां पीयूष चौधरी, नेक्स्ट बनाइए। द टीचर टोल्ड मी दैट यू दैट ही नीड टू वर्क हार्डर। अरे नहीं बेटा, दीप सर। The teacher told me that he कैसे बात कर रहे हो? जब सेकंड पर्सन है तो तुम सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हो। देखो टीचर ने मुझसे कहा कि मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए, मैं रिपोर्टर खुद ही बन गया क्योंकि जब मुझे कहा सीधी बात है, आपको कुछ बदलना ही नहीं है, मन ही में बदल जाए जहाँ उल्टा पुल्टा करोगे। हाँ, तो साथियों और टीचर ने मुझसे कहा कि मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए, वहीं आ जाए। सर आई लग जाएगा तो क्योंकि सर जहाँ जहाँ पर मी आएगा वहाँ आई लग जाएगा। मी से नहीं मतलब, जब यू है तो यू से इससे नहीं मतलब है। ये देखो यू तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदलता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब। हाँ तो ऑब्जेक्ट सर, ऑब्जेक्ट यहाँ आई है सर, आई का मी आई सब फर्स्ट पर्सन होते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तो क्या आप बनाइए इसको। द टीचर टोल्ड मी दैट आई
had to, I need to work hard. सर नीड है तो नीड कहाँ है? बहुत बड़ी बात है, ये नीड है. This is need. Sir, I needed to होगा ना? हाँ. I needed to work. ठीक है. Teacher, अब देखो है बड़ी सिंपल सी चीज, लेकिन बड़े बड़े लोग जैसे दीप साहब जैसे लोग गच्चा खा रहे हैं. सर गच्चा मतलब धोखा खा जा रहे हैं. तो इस तरीके से टीचर टोल्ड मी दैट सर ठंड लग रही है बहुत. हाँ सर नीड का वी वन वी टू वी थ्री बताओ. नीड नीड नीडेड नीडेड ही होगा, यही होगा. अभी बता दे नीड्स होता है. नीड्स तो उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगी. अब हम इसमें देख लेते हैं, एक मिनट ये देख लेते हैं. अच्छी चीज उन्होंने पूछी सर. मैंने ना ठीक है, थ्री फॉर्म्स ऑफ नीड. सर नीडेड होगा ना? सर सर लास्ट वाले दोनों नीडेड होते हैं. नीडेड नीडेड है, दो नीडेड. So I needed to work harder. Okay. Fifth. Prachi बताओ. They said that. छोटा करो. They. छोटा ही है. They said सही है. They said that they had already eaten, but they would have something to drink. They said that they have already had already eaten, but they would have something to drink. They would have. Would have ही होगा. हाँ क्योंकि had के साथ हमेशा have लगता है. क्योंकि will से would बना, will have का would have हो जाएगा. Will have की जगह क्या हो जाएगा? Would have. Will be की जगह would be हो जाएगा. ठीक है, फिर से एक बार बोलो आप बेटा. They said that they had already eaten, but they would have something to drink. ठीक है. They said that. सर ये याद करना पड़ेगा will की जगह क्या लगेगा. अरे हमने कल लिखा दिया. हाँ लिखा दिया तो वो याद करना है. आप याद नहीं करो, मैंने लिखा दिया है. That they had already eaten. Sir, 5 days to go. But would have. सर कल हमें हमारा एडमिट कार्ड मिल जाएगा. ठीक है, मनाई हो. टू ड्रिंक. ओके, खुशी बनाइए. सिक्स्थ. शी सेड शी वुड हैव शी सेड शी. अरे कनेक्ट वो कंजंक्शन कहाँ है? शी सेड दैट शी वुड हैड फिनिश्ड दिस रिपोर्ट बाय नेक्स्ट डे. फिर से बोलो सारा. She said that she would have finished this report by next day. That report by next. This का that हो जाएगा. By next day एक और पूछेंगे. That कैसे होगा? देखो. Last time भी बदलेगा. अभी रोज रोज वही पढ़वाते हो. This का that drag करते हो क्लास को पीछे. This का that. और now का. Then. Then 10 का. So. काम का. Go. Hands का. Therefore further. For. और फिर इसके अलावा. This day. That day. Today. That day. Next day. Tomorrow. बहुत अच्छा. The following day. The following day. Last night. Previous night. Tomorrow night. The previous night. The previous. ऐसे समझो. Last night गत रात्रि. कौन सी रात्रि? बीती हुई रात्रि. Last night. The previous night. Previous night.
समझ में आया, उसमें जो गाना बनाया सूर्य कुमार भास्कर के, अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे, कोश फूलने लगे, रात की प्रभा उठी, मुस्कुरा सभा उठी, घूम घूम कर मधु फूल चूम कर मधु, गा रहे विहान थे, गूंज रहे गान थे, रात की मिल लापता, चांद का न था पता, तू ही बिंदु गत कहीं, छिप गए नखत कहीं। इसमें रात का ही तो वर्णन है, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। अब आगे की बात करेंगे। सो सी सेड दैट, आदित्य रिपीट करो पीछे, शी सेड दैट शी वुड हैव फिनिश्ड दिस रिपोर्ट, क्या आदित्य इतना सीखा नहीं, बात ही नहीं सीखा, would have finished that report by the next day. Report by next day. Little minor अपने मन से नहीं लगाओ, आपने बाई दा लगा दिया ऐसे खुल्लम खुल्ला, little minor बाई होगा ना सिर्फ। Now प्रतिज्ञा सरल करो, तो सर बाय द नेक्स्ट डे तो होगा, अपने मन से दा मत लगाओ कहीं भी little minor। जी सर वो देखिए, लो ये दा कहाँ लगा, अरे वो देखिए tomorrow का, tomorrow का क्या होगा, चेक करते हैं सर, कल आपने द नेक्स्ट डे बोला, मैं फिर से चेक करता हूं, ये जीना है, ये जीना है, अरे सर वो दही होता है, अभी बता दे रहे हैं, एक एक मिनट इसको कंफर्म कर लेना, दा के बारे में संशय है, सो टुमारो विल बी कन्वर्टेड इन इनडायरेक्ट स्पीच द नेक्स्ट डे, दा लगाओ, ये जीना है, ये गीना है, अब देखो दा लगेगा बेटा, अब सरल से देखिए, गीना आस्क डिली, बोलो बोल प्रतिज्ञा, रुक जाओ अच्छे, गलत हो गई बात, बोलो प्रतिज्ञा, अच्छा विद्या सर मैं बोलूं, अभी एक मिनट विद्या को, गलत हो गया ना, दो लोगों ने गलत कर दिया, सर उसने क्या गलत किया, चलो अच्छा कोई बात नहीं, अब आनंदिता बोलेंगे, गीना आस्क्ड मी दैट, चलो गीना आस्क्ड मी व्हेन वुड शी, व्हेन वुड नहीं गीना आस्क्ड मी व्हेन, सर ये इज नॉट व्हेन आई वुड, When would I see her again? When I would see her again. When would she see me again? When would she see me again? देखो इसमें कई गलतियाँ हो रही हैं। When would she see me? Deep sir. When she would see me again? चुप रहिए थोड़ी देर, Deep sir. ये भी नहीं बता पा रहे खुशी, देखो ये भी आई बोल रही है। सर मैं बता सकता हूँ। When she would see me again? Yes I do. तो मैंने पहले भी आपका बेटा पूरा सही था। Ask me. When? Sir, that नहीं लगेगा। When would she see her again? कल ही बताया, आप नोट नहीं करें क्या? When would? Sir, that नहीं लगता, बताओ तो। नहीं लगता, जब interrogative है, उसमें अगर helping verb से शुरू है, तब तो if या whether लगता है, और when है तो when ही लगा दिया जाता है, ठीक है? When so would? When would? अब आगे की बात, अब यू क्या है, ये बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि मी पे बदलेगा यू, जो सेकंड पर्सन है तो सी मी, ये भी आप ठीक बता रही हो, सी मी अगेन, मी आपने लगाया ना, सो इट इज वेरी करेक्ट, ये देखो, सो शिवम बताओ, I wouldn't lend you any money tonight. Carla said that she would not lend me. Me का you किसके हिसाब से बता देते हैं भाई, नहीं object तो फिर third person कर दो, she lend her any money That night. Gajendra बताओ. Sir इसका. इसी का. Carla said that she
would not lend her money, any money, her any money tonight. No, that night. नहीं that night, that night, that night. Said that. That night. ठीक है. That she would not lend her any money that night. Ninth बताएं खुशी. The mother asked her daughter if that have you नीट एंड टाइडी रखते हैं कि नहीं, बिल्कुल अप टू डेट कमरा. सर ये टाइडी का मतलब क्या होता है? मतलब हर चीज व्यवस्थित साफ है, सब जगह नीट एंड टाइडी. साफ होता है क्या? सो नीट एंड टाइडी वर्ड एक तरीके से यूज किया जाता है. तो आप कौन बता रहा था इसका? हाँ बोलो. द मदर आस्क्ड हर डॉटर इफ शी हैड टाइडेड अप हर रूम. सही है, बिल्कुल सही है, अच्छा बताया. द मदर डिड आई गेट ना डिड शी टाइडेड अप आस्क्ड हर डॉटर. ठीक है, इफ अब इसके बाद क्या आ गया यू के लिए? शी. फिर क्या किया? हैव की जगह किसमें बदला? इफ शी है. क्या तुम ये बता सकते हो शिवम कि पास्ट परफेक्ट में कौन कौन टेंस बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में कौन कौन से टेंस बदलते हैं? मतलब पास्ट परफेक्ट किसको बना दिया जाता है? मेरे वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एस. बोलो. आप तो बोल ही देते, इसीलिए तो आपने पूछा नहीं. तो इसलिए इफ शी हैड टाइडीड टाइडीड अप हर रूम तो गजेंद्र अपनी क्षमताओं का मुजाहिरा करेंगे अगले में. सो ही सेड, बताइए सही बोलो. ही सेड दैट ही इज गोइंग. ये बहुत सरल सा था ना. ही वॉज गोइंग टू पेरिस द फॉलोइंग मंथ. किसी से पूछा तो नहीं? नो सर. गोइंग नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ. हाँ प्रतिज्ञा बताओगी कुछ? बताओ. हाँ नाइन्थ बताइए. सर मैं प्रतिज्ञा बता रहे हैं. चलो नाइन्थ बोलिए. बात ना करें. दे सेड हाँ विद्या टू अवर पेरेंट्स. नहीं वो सोनल. दे सेड दैट दे हैव नॉट. हैव नहीं होता है. रक्षित सर दे सेड दे पूछो. दे सेड दैट बता रहे तो उसको नहीं तो सीख नहीं पाएगा. पीछे से चम्मच से ना खिलाओ. दे सेड दैट
प्रत्युष they said that they had not spoken to their parents. बाकी तुम समझ गए और वाली ठीक है आप बोलो यही है सर they said not spoken sir had not been नहीं हो सकता sir had not been नहीं हो सकता यहाँ से यहाँ हो गए रूल बदलोगे ग्रामर इंग्लिश ब्रिटिशर्स का रूल बदलोगे अभी हम लोग 90 साल की लीज पर आजाद हैं अभी वो गुलामी चलेगी 90 साल बाद जो बदलना बदल लेना 2037 हो सकता है आ जाए अभी तो इडली की है महारानी बाकी का आगे कर दो सर मैं नहीं देख मैं जल्दी सर इंडिया में कदम के रूप में तो जिंदा दिला चलो अब देखें अरे सर नंबरिंग हां नंबरिंग 10 है अरे सर उधर वो देखो सर 8 9 10 9 10 इसे क्या करूं 8 9 10 है अब हम लोग 10 पे चलो अब वो 10 ही है तो हम क्या करें 4 5 6 7 8 9 10 हो सकता है अगले पेज का 10 खट से पलट जाता है पेज हां आनंदिता बोलो 10 हां बोलो द मैनेजर टोल्ड मी बात ना करोगी थोड़ी देर द मैनेजर टोल्ड मी दैट ऐसा हो सकता है दो वही चीज है ना हाँ The manager told me that if there was any problem, he would call me. If there was any problem, अब I की जगह क्या हो जाएगा? He would call me. If there was any problem, problem अब manager तो कोई भी हो सकता है. She would. हाँ. हाँ बोलो ऊपर एसी को ऊपर कर देते हो यू की जगह क्या लगाओगे सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल लो बोलो अगर तुम ना आते तो आ जाते तुम आ गए तो डाउन हो गया वो कहते नहीं है कि शहर जलता है तो जलने दो ये आग तो हमारी ही लगाई इसीलिए वो बोला कह रहा बिगाड़ा तो हम ही ने सबको है ला के दिखा चलो अब आप अगला देखें ओके खुशी खुशी बताओ ये सही है My father said that the postman had not came yet. Okay. Now, Deep sir. इसमें ये apply होगा ना? कम कब हो? पर इसमें ये apply नहीं होगा. इसमें है कम क्या? देखो गलती कर दी तुमने. कम कब हो नहीं बोला. सर, इसमें क्यों apply होगा? अरे apply क्यों नहीं होगा? My father said मेरे पापा सर कम कब हो कैसे हो जाएगा ऐसे? वो कैसे हो जाएगा? आरे जाते रहो. सर वो कैसे? वो ये सोचो कम
तुम लोगों ने कभी सब चीज लिखाई हुई है यहाँ पे भी तो अभी देखो देखो मेरे पिता माय फादर सर मैं तुम्हारे आ रहा हूँ मेरे पिता ने कहा कि कल वो मेरे घर जा रहे हैं भाई एक रिपोर्टर बन जाओ जब तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो तुम रिपोर्टर बन जाओ जैसे सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से कहा मैं तुम्हारे आ रही हूँ सोनिया ने राहुल से कहा कि वह राहुल के घर जा रही हैं अब आ रही है ना बोल देना रिपोर्टर हो जा तुमको किसी टंस की जरूरत ही नहीं तो गूगल सबसे आसान चीज क्या है रिपोर्टर सर खुद तो दोनों थर्ड पर्सन है ना तब इसलिए उधर यूज हो रहा है यहाँ पे एक सर यहाँ पे यहाँ पे एक फर्स्ट पर्सन है एक मैं खुद हूँ और एक मेरे पापा है मतलब वो थर्ड पर्सन है ये बोल तुम पर्सन की बात मत करो आपको वो भी बता दिया जा रहा है अरे सर यहाँ पे इसमें नहीं तो इफ एंड बट होता कि ऐसा होता तो ये लगाते हम तो पूरी जिंदगी सिक्स ये देखो कम कर दो है तो है अब पौधों में इस पे कम के सारे सेंटेंस दिखा दूं आपको चलो फिर इसे देखो सर उसका स्टेटमेंट कैसे चेंज हो एक इसी का आंसर पूछता हूँ इसी का पूछना चाहते हैं ना तो पहले इसको लिखो सर उसके पापा ने बोला कि वो आया नहीं और हम चेंज कर देंगे वो सेड दैट द पोस्टमैन माय सर यहाँ पे हर जगह सेड को सेड ही के ले रहे हैं यहाँ पे टोल को भी ले रहे हैं जब सेड टू होता है ऑब्जेक्ट के साथ तब टोल्ड होता है जब सेड टू मी तो टोल्ड मी और अगर सिर्फ सेड है तो सेड Said that the postman ठीक है had not ठीक है तो had not है तो अब कम का गो हुआ go went gone देख लो the postman had not gone yet अब इस हाँ आई एन आई अब इसका मैं दिखा दे रहा हूँ आपने तो उसका स्टेट उसने जो बोला उसने ही वो बदल दिया बदला कुछ नहीं है सर उसने उसने बोला सर आप रिपोर्टर बनाएंगे सर आप बोल रहे ना आप रिपोर्टर बने उसने ये बोला पहले सुनो पहले आप एक्सेप्ट तब करोगे समझाने में पहले एक बार मैं आंसर दिखा दूं तभी आप एक्सेप्ट करोगे नहीं तो फिर आपका माइंड कहेगा नहीं गलती है आंसर दिखा दें और फिर आप ठीक है कि नहीं क्योंकि चलो Convert into indirect speech. The postman has not come yet. My father said. चलो. अब जरा देखो इफ द पोस्टमैन क्या चीज कही गई है द पोस्टमैन हैज नॉट कम हियर माय फादर सेड द पोस्टमैन हैड नॉट कम हियर देखो इसमें सब जगह कम ही लिखा लिखा है सर सब तो सर कम का गो नहीं है कम का गो तो किया नहीं है तो सर वो होता है
फिर वो गो का तो है लेकिन इसमें तो नहीं नॉट नहीं लिखा है लिखा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बट सब जगह इसमें यही लिखा है कि माय फादर सेड दैट द सन इफ लगा दिया इफ द पोस्टमैन हैड नॉट कम तब लगेगा ना सर सर गो तो तब लगेगा ना जब कोई और बोल रहा है थर्ड पर्सन इसके अंदर तो सेकंड पर्सन ही बोल रहा है ये भी तो हो सकता है कि माय फादर सेड देखो सेड टू नहीं है अब यहां सेड टू नहीं है फादर टू सन मेरे पापा ने लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है माय फादर सेड दैट उसने बोला कि वो आया नहीं आप नहीं है सर आप कितने में करके देखिए इसको मेरे पापा ने कहा कि वो आया नहीं लेकिन किससे कहा पोस्टमैन अभी तक वहाँ गया नहीं है इसमें मेरे सिद्धांत ने किससे कहा यही नहीं पता चलो अब इसको आप लोग खुद ही क्वेरी करना लेकिन हमने ये लिख दिया इस तरीके से होना चाहिए क्योंकि टू मी में इसमें आंसर दिया है तो टू मी में तो कम रहना चाहिए लेकिन अगर मान लो किससे कहा ये तो नहीं दिया है तो ऐसे केस में है ना माय फादर से तो मेरे फादर सिर्फ मुझे से बात करते हैं क्या नहीं मेरे पिताजी क्या और किसी से बात नहीं करते कम नहीं लगना चाहिए अगला देखो ठीक है इसको देख लेना जानकार लोग उनसे पूछना नहीं तो आप इसको नोट करो और उसमें देखो हमारे हिसाब से इसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो थर्ड पर्सन होना चाहिए जब नहीं होता है तो क्या होता है थर्ड पर्सन तो इसी हिसाब से ठीक है और जो मैंने गूगल पे दिखाया उसमें टू मी लिखा है जो भी मैंने दिखाया है गूगल में आपको अभी नहीं दिखाया उसमें टू मी है और वहाँ यहाँ टू मी का लोप है हमेशा ने तो फिर हम इसमें थर्ड पर्सन मानेंगे टू मी और थर्ड पर्सन में फर्क हो जाता है अगला देखो द डॉक्टर ऑर्डर देवांशी बताओ इसका टर्न का डॉक्टर ऑर्डर अब ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया क्या सर रुक जाओ हाँ तो फिर क्या होगा द डॉक्टर ऑर्डर मी सर पूरा सेंटेंस तो दिखाई नहीं रहे हाँ ठीक है द डॉक्टर ऑर्डर टू स्टे टू डेज इन बेड वही ये उन्होंने बताया ठीक है टू स्टे इन बेड फॉर टू डेज अगर इंपरेटिव सेंटेंस है आदेशात्मक वाक्य है जहाँ आदेशात्मक वाक्य है मतलब इंपरेटिव सेंटेंस या रिक्वेस्ट है ऑर्डर है कमांड है प्रोहिबिशन है फॉरबेड है ये जैसे गो एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर ठीक है ये सारी चीजें होते हैं ब्रिंग वो मूव है मतलब इंपरेटिव आदेश दिया जा रहा है गेट आउट फ्रॉम हियर प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर ये सारी चीज है ठीक है वॉक ऑन रोड डोंट प्लक ए फ्लावर ये सारी चीजें इन सब में सिर्फ टू लग जाएगा ये सब ये सारी चीजें होती हैं ठीक है मरने तक मत सो टू स्टे इन बेड या ये है जब तक कि मर न जाओ तब तक सो मत टू बेड वो अमेरिका के टॉर्चर सच से आया इसको मालूम है सब वहाँ कैसे करते हैं सर जॉन बाइडेन के लिए अब देखो नाउ अब देखिए सर आप फोन आंखों से इतना दूर क्यों रखते हो ये 25 सेंटीमीटर बोला था साइंस सर ये 25 नहीं सर ये 60 सेंटीमीटर लग रहा है नहीं 30 नहीं होता है 40 हो जाएगा सर सर वो सर दो आंखें ऊपर एक
नाउ चलिए आई लिव इन द सिटी सेंटर ये गलत है फर्जी है ही सेड दैट ही लिव इन द सिटी सेंटर ऑफ द सिटी नो Don't corrupt the class. He lived in the center of the city. That live से क्या बना? Lived. तो lived in the car. हाँ ये सही बोल रहा है. Lived. He lived in the city center. He lived in the city center. अब आगे देखो. सही गलत? सिटी सेंटर समझ में आया? सर गलत का डैट भी है इसमें. हाँ तो कोई बात नहीं हमने लगा दिया. सर डैट का लोप है. लोप नहीं लगा. Now, second question. He said, I am going out. He said that he is going out. He was going out. He said that he was. He was going out. इतनी बात समझ में आई? अब देखो. चलो ओके आगे देखते हैं ये सब थोड़ा सा इजी नहीं है सर हां अरे तो आप कहां से चले जा बेटा आप जो है ना अपने उम्र से अधिक की बातें करते हैं मतलब पहले शादी कर लो फिर दसवां कर लेना दसवें की जल्दी नहीं है दसवां तो हो ही जाता है शादी हो गई तो दसवां क्या बोले आज उनका दसवां तेरहवीं से पहले दसवां होता है सर पहले बता तो दो किसको बोल रहे हो सर पहले सर ऐसे मत बोलो मेरे लिए नहीं नहीं यहां देखो सर बता तो दो बोल किसको बोल रहे हो यू आर टॉकिंग डुप्लेट एंड रेड आप देखो शी सेज आई एम ए लिटिल बिट नर्वस बनाइए अच्छा बना दोगे तो पेन है लेकिन कोई बताए नहीं सर ठीक है शी सेज दैट शी इज A little bit nervous. फिर से बताओ. Sir, वापस. She says that she was a little bit nervous. प्राची बताओ. Sir, she is little bit nervous. She is कैसे होगा? तो says के साथ sir I am तो change होगा ना वो उसके जो नीचे line आती है. जब सेट होता है तब सारे नियम है टेंस के फॉर्मेशन के अदरवाइज कुछ नहीं है पहले सही बताया था लेकिन हमने गलत करवाया ना गलत करवा देते आदित्य बोलो दे सेड दैट द टाइम इज अफसर है तो ये संबोधन है सो दे सेड रिस्पेक्टफुली दे सेड रिस्पेक्टफुली दैट उन्होंने सूचना दी बस सर हट जाएगा दे सेड रिस्पेक्टफुली दैट द टाइम इज ये इंपरेटिव नहीं सर वाज तो ऐसे तो आप सेड आ रहे हैं हां वाज लगाओ तो वही तो आप इस बोल रहे हैं नहीं वाज लिखें दे सेड रिस्पेक्टफुली सर फुली द
हाँ बोलिए द टाइम बोलिए सर अगर ऐसे नॉर्मल कोई मतलब कोई बच्चा ही ऐसे बोल रहा होगा अपने टीचर को कि सर द टाइम इज ओवर तब हम रिस्पेक्टफुली थोड़ा लगाएंगे लगा देते हैं क्योंकि इन सब चीजों में वो संबोधन हट जाते हैं मैडम का या सर का हट जाता है और उसकी जगह क्या लग जाता है रिस्पेक्टफुली जो आपका ये बुक है ना इस वाले में इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं आप उसमें सब में देखोगे सर मैडम और क्या आप इसमें देख भी लो बीच में करना होता है सर मेरे को देखनी है ना सर दोस्त अरे फिर आप डिस्टर्बेंस करो सर कुछ नहीं करूंगा ये देखो अब आपको जो सिखा रहा उतना सीखो बहुत अच्छा सर जो वेंट फॉर अ वॉक डेली यूनिवर्सल ट्रुथ मान रही हो हैबिट का कुछ नहीं होता कल मैं पढ़कर भी आई चलो फिर से इसको दिखा दो हैबिट का कहीं नहीं होता है मैं दिखा देना उसका सो convert into indirect speech we said we go for a walk every day ये remember ये देखो सर मैंने सही बोला था मतलब मैंने कल ऑल इन वन में देखा था उसमें हैबिट का भी कौन से करते हैं सर आप वहां तक आगे चले जाते हो ऑर्डर का हैबिट का कुछ नहीं होता कल से आप बोल रहे हो सर टोल कैसे होगा ये टोल नहीं होगा वही तो सेट है सर अब मैं बोलूं दे सेड दैट दे टुक योगा क्लासेस देखो आगे में ठीक है सब अलग अलग तरीके से बता रहे हैं देखो इसकी भी बात सही है क्योंकि ये वो और वॉक एक दो जगह लिखा है लेकिन इसको ऑथेंटिकेट सर जो ऊपर के तीन ऑप्शन तीन सच्चे पहले वाला उसमें लिखा है व्हेन द जाटी है ना जाटी सर नोट्स सर सेंटेंस सर जो हैबिट होती है ना मैंने कर ली उसको देखा इनोवेशन जो लोग हैबिट को ना वो नहीं करते देखो सब लोग अलग अलग इसमें कह रहे हैं दो तीन साइट हैं लेकिन लोग अपना भी कमेंट लिख देते हैं ना तो इसलिए यहाँ पर क्या ये हैबिट वाला हमने ऐसा कोई पढ़ा नहीं फिर भी आप कंफर्म कर लेना आनंदिता बोले दो तीन जगह लिखा है इसमें ठीक है देश है तो इस तरीके से तो फिर हैबिट के नाम पे तो फिर हर चीज हैबिट हो जाती है फिर ये कभी इसमें बदलेगा ही नहीं क्योंकि ये चीज तो हैबिट ही है ये पॉइंट किस लिए बताओ वी गो टू स्कूल तो फिर वो भी नहीं बदलेगा अब मैं इसमें दिखा दूं देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना हम स्कूल जाते हैं क्या तो हैबिट है और फिर नहीं बदलेगा सब बदले हुए है ना दिखाता हूँ ये देखो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख लेते हैं मेरे हिसाब से ऐसे ही करना प्रेजेंट इंडेफिनिट को बाद की हैबिट कर भी कहीं कुछ तो करेंगे पूरा ही हमारा पढ़ा उसमें कहीं हैबिट का नहीं दिखा सो
देखो इन इन डायरेक्ट स्पीच कन्वर्सन प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस इज कन्वर्टेड इनटू बिकम सिंपल पास्ट। इसमें देखो सारे ने यही कहा है, अब ये भी तुमको है ना, जितने भी प्रेजेंट इन डेफिनेट है, तो आई लिव इन दिल्ली, तो क्या है शी लिव इन दिल्ली, मतलब सभी में अब जैसे कहीं भी है भी जाए तो दैट ये आई एम कटिंग इट भी आई एम रिटन फूड है, ये अलग हो गया। आई प्ले फुटबॉल, ये हैबिट भी तो है, तो ही प्लेड फुटबॉल, आई द प्ले फुटबॉल हैबिट नहीं, मैं फुटबॉल खेलता वो उसमें बोल रखे ना एवरीडे, जरूरी थोड़ी ना रोज ही दो चले। अच्छा फिर एवरीडे वाली बात है तो वो आप लिख देना अपने देश पे, अदरवाइज मेरे हिसाब से प्रेजेंट इनडेफिनिट किस में आना चाहिए, ये आपको एरो बना रखे हैं कि नहीं, फिर से समझो कि ये किस में बदलेगा और ये इसमें, सारे समझ में आ गए, फ्यूचर किसी में नहीं बदलता ना, फ्यूचर में विल का वुड हो जाएगा शैल का शुड। अगला बताइए, रक्षित बताएगा, रक्षित बोलो चॉकलेट नहीं मिलेगी तब तक तो तुम पीछे स्कूल चुके होगे, नो सर आगे बैठोगे तो मिलेगी, हम बोलेंगे ही नहीं, हम ये तो बताएंगे, बताने दो ना, बताओ दे सेड दैट दे टू योगा क्लासेस, दैट दे शुड बोल, बस ठीक है, ही सेज अगला बताओ, हां ही सेज नहीं, हां बोलो बोलो, ही सेज ही टेल नहीं, कुछ नहीं, जब सेस टू होता तब टेंस होता, देवांशी रुक जा, दैट ही इज हैप्पी, ये सही है सर, ही बॉस क्यों नहीं होगा, अरे सेस अभी गलती कर दी, दैट तो होगा ना सर, मैं लगा नहीं, What is क्या लिखा है? What is the URL? Sir, phrasal verbs करा दोगे? क्या? Phrasal verbs. Phrasal verbs. Sir, ये क्या होता है? Phrasal verbs कहाँ है? कहाँ है? Sir, phrasal verbs क्या होता है? अभी बता रहा हूँ। अरे study में क्या है? सर इसके अंदर बहुत कुछ गलत लिखा है, नहीं कोई बात नहीं, फ्रेजल वर्ड्स कहते हैं ना आपको, फ्रेजल वर्ड का सर ना होता है ग्रामेटिकल पैराग्राफ, हां बहुत सर फ्रेजल वर्ड्स को अभी बताना, जैसे ब्रिंग ऑन का क्या मतलब है, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग अपॉन, ब्रिंग इन, ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग आउट, इन सब के मतलब बताओ, तो वो बता कर आ रहा हूं सर, ब्रिंग इन मतलब अंदर लाओ, ब्रिंग आउट मतलब बाहर से नहीं होता है, जैसे नहीं है, ब्रिंग अप का क्या मतलब है सर, ऊपर ऊपर उठाओ, अरे पालन करना, क्या बोले ब्रिंग अप, हां शी बॉट अप किशन कन्हैया सर, बॉट उन्होंने यशोदा मैया ने बॉट अप उनका पालन पोषण किया, बॉट अप समझ आया नहीं, आया नहीं आया तो सीखो, इसीलिए तो बोल रही है कि 10 में से एक सही आता है, स्टडी मटेरियल में सर इसके अंदर बहुत कुछ मैंने सीखा हुआ है सर, सच्ची आप ऐसे लेके बैठे तो आपके भी समझ में नहीं आएगा, अच्छा थोड़े से करा दे जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आ जाए सर, वैसे भी जयपुर वाले निकाला है, दिल्ली वाले ने ओके, जयपुर वाले Sure. So, those verbs which are used in phrase are known as phrasal verbs. Great.
चाहिए। सो फ्रेजल वर्ब, व्हाट डज इट मीन दैट वर्ब्स विच इज यूज्ड अलोंग विद प्रीपोजिशन आर नोन एज फ्रेजल वर्ब एंड दे हैव डिफरेंट मीनिंग। वर्ब्स आप लोग बात कर रहे हैं फिर ये तो कर रहे थे। हाँ अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं। वर्ब्स विच इज यूज्ड अलोंग विद प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। That is, what does it mean by preposition? Which relates different nouns, noun with pronoun. जो noun को noun से relate कर सकें, noun को pronoun से relate कर सकें, उन्हें क्या कहते हैं? Sir, example, can, would, ये सब। अभी रुक जाओ, जो समझा रहे उसको समझिए, जल्दी से आगे ना बढ़ो। The word which relates noun to noun, noun से noun को relate करें। जैसे कि अगर हम ये कह दें कि aircraft is flying in the sky, is flying in the sky over city, तो क्या ये जो aircraft है वो city के ऊपर है? Aircraft और city को relate कर रहा है कि इसके ऊपर है, ठीक है। A fan is above table. Fan. हाँ देखो is fan is above the table. देखो ये पहले जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएं। Fan is on the table. इन तीनों में फर्क करना है, यानी fan is on the table. Table पे रखा है, fan is over the table. Above the table, a fan is over the table. कि हनुमान जी लेके उड़े पता नहीं टेबल के ऊपर कहाँ, लेकिन ऊपर आस पास है, तीनों में फर्क है। जब ओवर कोई चीज होती है, ओवर द सिटी, इट इज अप्रोक्सीमेटेड। ओवर द, समझ में आ गया कि नहीं? ओवर द सिटी, सिटी के ऊपर कहीं एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये रिलेट कर रहा है। रिलेट का क्या मतलब है? कि एयरक्राफ्ट को सिटी से रिलेट कर रहा है, फैन को टेबल से रिलेट कर रहा है। जैसे दो अलग अलग चीजें हैं, कैट इज इन द वेल, अ कैट जंप्ड इनटू द वेल। इनटू और इन, ये इन, इन और इनटू, जब वो चीज मूवमेंट में, मूवमेंट है, गतिमान है, यानी वो जब उसमें कूदी तो उसको कहेंगे इनटू द वेल। कैट जंप्ड इनटू द वेल, और कैट इज इन द वेल, तो उसकी पोजीशन है, ठीक है ना। बॉय इज हाइडिंग अंडर द टेबल, नीचे ऐसे, नीचे छुप रहा है, इन अंडर ऑफ, ये जितनी भी चीजें हैं। बॉय इज बिहाइंड द ट्री, बॉय इज इन फ्रंट ऑफ ट्री, आगे, बिहाइंड मतलब पीछे है। समझ में आ गई बात? तो मुझे केवल 20 प्रीपोजिशन के नाम आप बताएं। ऐसे तो आप बता दें, हां, इज अंडर, अंडर इज, अंडर अंडर ओवर ऑन ऑफ 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 हो सकता है। ही इज फ्रेंड ऑफ माइंड, यानी दो लोगों के बीच में, दो नाउन के बीच भी संबंध हो सकता है, दो प्रोनाउन के बीच भी संबंध हो सकता है। बिलो बिटवीन, बिलो बिलो बिटवीन, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, इन बिहाइंड, सर बियॉन्ड, उसका जो संबंध है रोड से स्थापित किया गया कि नहीं? सर बियॉन्ड होगा क्या? ऑन, बीनीथ, सर बियॉन्ड, बियॉन्ड भी अगर किसी का दोस्त से संबंध स्थापित है सो ठीक है। सो हिज नॉलेज इज बियॉन्ड माई थिंकिंग, तब फिर वहां प्रीपोजिशन के तरह इसका यूज हो सकता है कि हिज नॉलेज इज बियॉन्ड माई परसेप्शन। मतलब कोई दो नाउन के बीच संबंध हो तो फिर उसमें प्रीपोजिशन। सर इमेज इज बॉर्न बियॉन्ड द मिरर, कुछ भी हो सकता है। बीनीथ हो सकता है, नीचे हो। बीनीथ का मतलब क्या होता है? बीनीथ का मतलब नीचे, उसके नीचे, ठीक
ठीक है ना, सीक्रेट इज स्वेप्ट अंडर द कार्पेट, सीक्रेट वो स्वेप्ट अंडर द कार्पेट, कोई खुफिया। अब देखो, अब तुमको प्रीपोजिशन समझ में आ गया, लेकिन प्रीपोजिशन को अगर वर्ब के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं? सो इफ प्रीपोजिशन किसके साथ हो बताओ? वर्ब के साथ। वर्ब के साथ अगर हो, जैसे मैं कह दूं कि ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, हाँ सर, डाउन इसके अंदर प्रीपोजिशन है, इसने फ्रेजल वर्ब, इसकी मीनिंग बताइए। अंदर से टूट जाना, समथिंग विच इज नॉट वर्किंग, नॉट फंक्शनिंग। वर्ब के साथ बताओ सर, ही इज रनिंग अंडर द ब्रिज, फंक्शनिंग, जो बात की जा रही है उसी के ऊपर बात करो। सो ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन पे एक सेंटेंस बनाओ। He is not running under the bridge. बताते ही नहीं हो तो फिर क्या होगा? James car broke down on the road. She broke down. जब यहाँ से मैं बता रहा हूँ उसकी मीनिंग, अभी ब्रोक इंटू होगा, ब्रोक इंटू का मतलब सेंध लगाना, चोर ब्रोक इंटू, हमारे घर में सेंध लगा दी। अभी जो मीनिंग बता रहा हूँ, उस एक तोड़ तोड़ के सब छेद बना डाला, फिर वहां से घुस के उसने जौहरी के यहाँ से सारी चोरी कर ली, तो उसके कहते हैं ब्रेक इंटू, ब्रेक डाउन। तो सबके अलग अलग मीनिंग है, इसको लिखो, सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ जो आ सकते हैं। ओके सर, ठीक है, ऐसे लिखने में तो इसमें बहुत सारे हैं, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। सो दैट इज जेम्स कार ब्रोक डाउन ऑन द रोड, बात ना करे बेटा। सो अब देखो, ब्रेक इन, दैट इज इंटरप्टेड, जब किसी चीज को हम क्या करते हैं, किसी चीज को टोकना, दैट इज ब्रेक इन टू, एक ही है। आगे देखो, रोजी ब्रेक, ऑलवेज ब्रेक इन, ऑलवेज ब्रेक इन इन द इन, ठीक है, बिटवीन आवर कन्वर्जेशन, ठीक है। सो लेट अस मेक ए ब्रेकअप विद हर, हमें अब उसको यहाँ से खिसका देना चाहिए, ब्रेकअप यानी हमें अब उससे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, या लेट अस गिव अ सुपारी फॉर हर, वो चूंकि हमारे मामलों में हस्तक्षेप करती है बातचीत में, तो लेट अस गिव हर ए सुपारी। ब्रेकअप सबके लिए है, ब्रेक इन का मतलब समझ में आया, इंटरप्शन। अब आगे देखिए, नाउ ब्रेक अप, दैट इज कम टू एन एंड, कम टू एन एंड, सो दैट मीन्स पीपल the party finally broke up at 11 PM। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टी अंततः 11 बजे समाप्त हो गई। The girl finally broken up, had finally breakup, had finally breakup with his broken up all relations, sir yahan pe breakup ki baat ho rahi hai, with her friend, usne
अपने दोस्त से अपने सभी संबंध तोड़ दिए। अब देखो, जज्बात मेरे दिल के संभाले नहीं जाते, जो दर्द कर सकते हैं निकाले नहीं जाते। नाउ यहाँ आगे बात की गई है कि सर आप YouTube चैनल खोलो से चाहिए का मतलब, हां वही खोलने जा रहा हूं सर आपका दिल की देख आप देखो नेक्स्ट इज ब्रेकआउट का मतलब बताइए सर। ब्रेकआउट मतलब अरे वाह तुम तो हर चीज जानते हो सर, बहुत ऐसे एस्केप नंबर आते हैं इसके इंग्लिश में एक्टिव से। एस्केप ब्रेकआउट का क्या मतलब है? एस्केप सो दैट मींस आफ्टर वन ईयर इम्प्रिजनमेंट ही ब्रोक आउट एंड ठीक है फ्रॉम जेल, जेल तोड़ के भाग गया। आफ्टर वन ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट finally managed to break up program. बात लगातार किए जा रही हो तुम्हारी बात नहीं हो रही है ठीक है सर आप इसको कैसे करते हो इसका मामला पता नहीं है। देखो नाउ कैरी ऑन का क्या मतलब है? सर कैरी ऑन ये बात सही है, एक सेंटेंस बनाना है कैरी ऑन पे। सर मैं बताऊं, यू मस्ट कैरी ऑन विद योर मिस्टर एक बार सर एक बार वी मस्ट कैरी ऑन सर यू शुड कैरी ऑन सर प्लीज आई टू मी Please carry on your work. What? So we must carry on with our work, है ना? Sir, you should carry on your work. कर्म योग। You must carry on with your work. With your work. Sir, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। Sir, ये भी तो हो सकता है। अच्छी बात है। ये भी तो सही था। वो भी हाँ सही था। Now, अब जरा देखिए, come across क्या होता है? इसका मतलब है कि कम अक्रॉस का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग क्लियरली, जैसा इन्होंने बताया। सो किसी चीज को अंडरस्टैंडिंग क्लियरली मुझे इस बारे में आई केम अक्रॉस रिसेंटली दिस मॉर्निंग, किसी भी चीज के बारे में जानकारी मिल गई कि मुझे पता चला अरे उसके यहाँ तो ऐसा हो गया। आई केम अक्रॉस दिस अभी देखो इसको ऐसे हिज हर स्पीच वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड बट ही कुड नॉट वी कुड नॉट कम अक्रॉस About its conclusion. हम समझ ही नहीं पाए वो बोलना क्या चाहता था। उसने बड़ी अच्छी स्पीच तैयार की। So he executed his speech very well, but we could not come across what he has said. पता ही नहीं चला वो गीता के बारे में बोलता रह गया। हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी करके आया। So he prepared his speech. And executed और उसमें उसका निष्पादन भी बड़ी अच्छी तरीके से किया, कार्यान्वयन एग्जीक्यूशन अंजाम देना ठीक है एंड एग्जीक्यूटेड इट वेरी वेल। बट वी कुड नॉट कम अक्रॉस इट्स डेप्थ, वो जो बातें बोलना चाहता था हम समझ ना सके। नाउ इतने बड़े-बड़े
टेंथ में उसने अपनी स्पीच तैयार की. आई केम अक्रॉस अबाउट योर सिचुएशन लेटेस्ट दिस मॉर्निंग. मुझे तुम्हारे घर की परिस्थिति के बारे में आज ही सुबह पता चला. आई केम अक्रॉस सर बताऊंगा का मतलब किसी के बारे में समझ जाना, किसी चीज के बारे में, वही है. केम अक्रॉस योर सिचुएशन, जानकारी मिलना, योर सिचुएशन, ठीक है. रिसेंटली, अब ये ठीक लग रहा है, बोलो क्या इसका. आई केम अक्रॉस सर दो बार रिलीज है. आई केम अक्रॉस अक्रॉस योर सिचुएशन, ये ट्रिक है. किस तरह ठीक है, ये नाउ ठीक है. कम ऑन का क्या मतलब है? और इस Come on. Come on, man. Come on. सही बताना है. Come on का मतलब है come on. So, that is begin. Come on, let's do this thing. Come on, you can do it. Sir, come on, you can do it. Okay. Sir, एक बार बोलने दो. Come on. Let's do this work together. My cabbages are coming on very nicely. मेरी गोभियां खूब अच्छे से आ रही हैं. My cabbages. ऐसा एक किसान बोल रहा है कि मेरी गोभियां बहुत अच्छे से आ रही हैं मुझे. Sir, easy sentence बोल रहा है. गंदे लोग. क्यों? आई मतलब जैसे कोई फसल है. सो माई हार्वेस्ट आर कमिंग ऑन वेरी नाइस. भैया गोभियां भी हो सकता है. अब देखें नाउ कम आउट. What does it mean? बाहर आओ. सर बाहर आते हैं. कैसे इतना तुम्हें पता है? नहीं नहीं सर. सर जो जो कम आउट. सर रहने दो. रहने दो. यस. दोनों ही ठीक बता रहे हैं. ये अब पहली बार इतना अच्छा हमें खुशी हुई सुनकर कि पीयूष ने भी बता दिया. बहुत अच्छा. So this novel is देखो आर के नारायण न्यू नॉवेल इज कमिंग ऑन दिस मंथ. देख लो गंजूस न्यू नॉलेज इज कमिंग. समझो तो बात. कुछ भी ऐसे नहीं, हम इनकी बात नहीं कर रहे. किसी का नाम क्यों बिगाड़ हम आपको बोली लेने आप ठीक है. इतनी बात समझ आई? आप भी लगा दो बंजूस कर दो. बंजूस बायजूस. कम आउट का मतलब समझ में आ गया? सर सर के लगा चुका जो सर अभी कम कमिंग ऑन. हां कम आउट. इतनी बात समझ में आ गई? सो अब देखते हैं कि ड्रॉ इन. ये ठीक कह रहे हैं. मतलब आप देखिए पीयूष तेज होते जा रहे हैं. कैसे इनको मालूम है कि गेटिंग शॉर्टर छोटा होना. हाँ द इवनिंग्स आर ड्रॉइंग इन. यानी रातें छोटी होती जा रही हैं. लगता है 23 दिसंबर आने वाला है. सर रातें छोटी कैसे होगी 23 दिसंबर पे? बढ़ेगी ना. रातें बढ़ती जा रही हैं. दिन छोटे कंक्लूडेड कह सकते हैं ना.
That is getting shorter. सर इसका मतलब getting shorter सर जो sentence बनाता हूँ. सर concluded कैसे देना है? Getting shorter छोटा होता जाना. ठीक है? सर equinox क्या होता है? Equinox मतलब continuous एक stable. ये सही कह रहे हैं. 23 सितंबर को equinox होता है दिन रात. दिन रात दोनों दोनों same होते हैं. Nox का मतलब ना कर्नल से आया. सर the trees are drawing in day by day. The evenings are drawing in. तो शामें छोटी होती जा रही ठीक है. सो अब देखो ड्रेस अप गेट रेडी गेट रेडी नाइसली. अब यही इसमें लिखा है कि मतलब अच्छे से अगर हम तैयार हुए तो उसको कहते हैं ड्रेस अप. यू आर ड्रेस्ड अप प्रॉपरली तभी ड्रेस अप बोला जाता है. तो ड्रेस अप का मतलब है इज द रिसेप्शन इज गोइंग टू बी इनफॉर्मल और वी शुड ड्रेस अप इन ए प्रॉपर मैनर. क्या ये जो सभा है ये सिर्फ एक एक फॉर्मेलिटी है कि आप इस समय जैसे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं किसी चीज का क्या होता है दिखावा कर रहे हैं ये फॉर्मल है. तो जैसे एक होती है फॉर्मल यूनिफॉर्म ये जो फौजी लोग पहन के आते हैं ये फॉर्मल है और ये सब इनफॉर्मल है. सो इज द पार्टी इनफॉर्मल और वी हैव टू ड्रेस अप फॉर्मली प्रॉपरली फॉर्मली इज द पार्टी इनफॉर्मल और वी हैव टू ड्रेस अप प्रॉपरली. तो इसका मतलब है कि हमें ठीक से तैयार होना है. अब जरा देखें फॉल ऑफ यस फॉल ऑफ का मतलब है स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग ऑफ डे बाई डे बोल सकते हो या फॉल्स ऑफ आफ्टर दीपावली. सर मैं बोलू द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इज फॉलिंग ऑफ डे बाई डे. कोई नया सेंटेंस बना. ठीक है. सो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स इज फॉलिंग ऑफ आफ्टर दीपावली. दीपावली होता है ना दीपावली दीपों की आवली श्रृंखला दीपावली होता है. सर दोनों होते हैं आपको पता है दिवाली भी होता है दीपावली भी होता है. दिवाली एक जैसे तद्भव है और दीपावली उसका तत्सम. तद्भव तत्सम तो पढ़े हो हिंदी में कि वो भी नहीं पढ़े पढ़े होंगे लेकिन अभी याद नहीं आप आगे कराओ. सर बता दो एक बार होते क्या तत्सम होते हैं जो संस्कृत से जो शब्द उठा के हिंदी में लिए होते हैं और तद्भव होता है कि जो दूसरी लैंग्वेज से भाग लिए होते हैं बदल के आनंद देखो कितनी बात समझ में आ गई. तद्भव तत्सम आगे देखो ये तुमको दिखाई पड़ रहा है कि इसमें ये आँख है. आँख बताओ क्या है सही है जो हम लोग बोलते हैं ये ठीक बोल रहे हैं अक्षी अक्षी उससे उसे अच्छी अच्छी बोल के लोग आँख बोलेंगे क्या अच्छे बुरी मत बोलो उससे बिगड़ बिगड़ के इतना बिगड़ जाए कि वो बिल्कुल एक ऐसा हो जाए जैसे बंदर ठीक है वानर से बदल बदल के क्या हो गया. अलग से नहीं मतलब सुनो जो शुद्ध शब्द बिगड़ जाते हैं तभी बानर से ना बोलते वो पहले ही है तो इसलिए
आप देखोगे तब हंसने में हर चीज निकालोगे तो थोड़ी ना होगा। ठीक है, मुझे पता है ना। आप ये देखो, यहाँ पर अलग अलग चीज दी गई है, तो हम किसी भी चीज को अरुण कह दें, अरुण अरुण नाम है, और किसी को अरुण बोल दें तो अरुण ही तो बोलते हैं। तो अरुण यानी जो सूर्य की प्रकाश है, जो रश्मि है सूर्य की, या दिवाकर की जो रश्मि है उसी को तो अरुण कहते हैं, किरण रेस, और उसी को तो अरुणाई बोलते हैं जो लाल रंग छा जाता है। सब जानते हैं, इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा, उन्हीं का ही बोल रहे हैं कि आज छाए हुए हैं। अगला देखो, सो What does it mean by? सर आप थोड़ा साइड हो, दिख नहीं रहा। हाँ, fall off का मतलब समझ में आ गया? Fall out। हाँ सर। बोलो fall out का। सर बाहर कर दिया। सर बोला ना? नहीं। सर तब वो fall out का मतलब? ये बात सही कह रहे हो। Quarrel। Quarrel। अब इसका sentence बनाओ। सर quarrel मतलब झगड़ा? झगड़ा। I fell out with my best friend। Yes। वो गाना नहीं सुना? चलो आओ पड़ोसी झगड़ा करें, चलो आओ। नहीं सुना? कितना सर क्या बताया आपने? आई फेल आउट, झगड़ा कर लिया अपने दोस्त से। आई फेल आउट विथ माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, सो ही इज ऑलवेज फॉलिंग आउट विद हिज फ्रेंड्स। वो हमेशा अपने दोस्त से लड़ता रहता है। ओके, गेट ऑन। देखो इसी में से आएंगे, ये जो मेन मेन में बताऊ सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। गेट ऑन का मतलब बताओ। सर कम ऑन क्या? सर आगे बढ़ो। गेट ऑन का मतलब है मेक प्रोग्रेस। सर वही तो कह रहा हूँ, आगे बढ़ो। हाँ सही बता रहे हो। सर यू शुड गेट ऑन योर वर्क। ठीक है, गेट ऑन नहीं तो कहीं क्या होगा? हाउ इज द फ्रैक्चर्ड लेग गेटिंग ऑन? उसका पैर का दर्द ठीक हो रहा है। हाँ, कि उसमें कितना सुधार हो रहा है। ठीक है, हाउ आर, ठीक है, हाउ इज द पेशेंट गेटिंग ऑन? सर आप सामने से नहीं एड्रेस तब तक लिखा नहीं जा रहा, अभी कर रहा हूँ। हाउ इज द पेशेंट गेटिंग ऑन या फ्रैक्चर्ड लेग गेटिंग ऑन? नाउ अब देखो, गेट अप, उठ जाओ, दैट इज वेक अप, या गेट आउट ऑफ बेड। सर गेट अप मतलब अपना गेट अप ले लो जल्दी से। ये ज्यादा ठीक कह रहे हैं कि बिस्तर छोड़ दो। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। सर गेट अप फ्रॉम योर कंफर्ट जोन बेड। सर गेट अप फ्रॉम योर बेड, बेड को छोड़ देने को कहते हैं गेट अप। सर गेट अप फ्रॉम योर, नहीं गेट अप पे लिख दो। गेट अप एंड गेट रेडी। सर ड्रेस्ड अप से भी कुछ रिलेटेड है सर गेट अप? हां ऐसा है सर, गेट रेडी करना है इसमें। हाँ मतलब पहले बिस्तर छोड़ दो, अब गेट रेडी। अच्छा फिर तैयार हो जाओ, मतलब एक उसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, अनुप्रास अलंकार बना दे रहे हैं। ठीक है, एलिट्रेशन तो ये चीज हो रही है कि नहीं? सो गेट अप का मतलब है कैसे हो रही है? आई एम अभी बता रहे नॉट used to get up early। हाँ getting up, मुझे आदत नहीं है early। I am not used to getting up early। मुझे सुबह, used to का मतलब आदत नहीं, हमें जल्दी उठने की आदत। I used to take tea, इसका क्या मतलब है? मेरे को चाय पीने की आदत है। हाँ मैं चाय लिया करता हूँ। चाय लिया करता हूँ। मैं ये बता रहा था कि गेट अप एंड गेट रेडी, इसमें एक एलिट्रेशन, दो बार गेट गेट आ गया। आगे देखिए, गिव इन, संप्रित कर दो।
जैसे हिंदी में नहीं होता जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामिनी तेहे जाम जैसे गंदामिनी, तो उसी तरीके है नहीं कि नहीं, हाट वाट बोट वोट अट्टन ये गाड़ी पौड़ी दौड़ी दौड़ी खौड़ी खौड़ी दीदी अति आग है, तो मतलब ये अनुप्रास अलंकार ऐसे ही अलिटरेशन ऐसे डिटो ऐसे ही सर। गेट अप एंड गेट रेडी, गेट अप एंड गेट रेडी। अब देखो दैट इज गिव इन का मतलब बताओ सर, इसका गिव इन मतलब नहीं, नहीं, सर, नहीं सर जारी रखो, ऐसा कुछ होता है सबमिशन और सरेंडर। अभी भी बता रहा हूँ ये देख लो सर, गिव अप गिव अप होता है ना सरेंडर, सही बोल रहा है, बता रहा हूँ छोड़ देना होता है, गिव अप का मतलब सिर्फ छोड़ देना, किसी काम को छोड़ देना। सर मैंने मूवी में देखा था मीनिंग ऑफ गिव अप, गिव अप का मतलब है कि टू स्टॉप ट्राइंग टू समथिंग, आई गिव अप ट्राइंग टू पास टेंथ। मैं 5 साल से 10th पास करने की कोशिश कर रहा था, फाइनली आई गिव अप, मतलब अपने जारी प्रयास को रोक देना, बहुत दिनों से जो प्रयास आपने, मतलब गिव अप यानी किसी भी चीज, इसका मीनिंग क्या हुआ आई गिव अप ऑन, मतलब पता नहीं अभी सही बंद हमें तो नहीं लगा। चलो अभी दोनों का लिखा रहा हूँ, सुनो गिविन का भी लिखाना और गिव अप का भी लिखाना, दोनों का लिखो तो फिर पता चले। नाउ मतलब मैं उसको मनाकर मैंने तो गई हो गए, आई गिव अप ऑन हर। नाउ सुनिए, गिव अप क्यों करते हैं जो भी, नाउ राइटर्स अल्टीमेटली गिव अप इन पुलिस स्टेशन, जो उग्रवादी लोग थे राइटर्स, गिविन है तो अल्टीमेटली गिव इन इन पुलिस स्टेशन, उन्हें आत्मसमर्पण, हाँ तो का मतलब सरेंडर, जिसने सरेंडर किया, सो द क्रिमिनल्स सर इनका मतलब होता है अंदर और आपका मतलब होता है मतलब बाहर, ऐसा ऐसे नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब है, ऐसे नहीं है, ब्रिंग इन, ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण का, सब अलग है, ब्रिंग आउट तो ब्रेक, अलग अलग चीजें हैं, ऐसे नहीं सोचो कि जो हम प्रीपोजिशन से समझ लेंगे, समझ कुछ नहीं पाओगे, आपको ये रटना ही पड़ेगा। अभी मैंने जितने 20 बताए 20 में से पूछोगे 3-4 ही बता पाओगे, अभी भी बता रहा हूँ, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा, समझ नहीं बात की नहीं, तो इसलिए काफी पढ़ा है, फिर हमने भी पढ़ा लेकिन वो भूल जाते हैं जब तक बार बार ना पढ़ो, तो इसलिए आप इन और आउट से ना बनाए, ट्रिक नहीं हो सकती, फ्रेजल वर्ब में ट्रिक नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, मैं कल देख के आऊंगा, अगर कहीं पे भी YouTube में ट्रिक मिली तो मैं आपको वो चीज बता दूंगा। इंग्लिश तो चलेगी, ये दो बता देना, क्रिमिनल्स अल्टीमेटली सरेंडर, ठीक है, एट पुलिस स्टेशन। अब जरा देखो जैसे गिव अप का समझिए, गिव अप का मतलब है टू स्टॉप ट्राइंग, जरा इसमें देखें तो आपको पता चले कि गिव अप का क्या मीनिंग दिया है, जैसे लेफ्ट इट टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग, सर तो सरेंडर का मतलब भी तो ही सेम ही होता है। देखो व्हेन अदर टीम हैज स्कोर्ड थर्ड गोल फाइनली अवर टीम गेव अप, अब तो हम हार ही जाएंगे, 3 कहां से हम पूरे कर पाएंगे, 3 गोल कर लिया अगली ने, सो व्हेन अपोनेंट ठीक है स्कोर्ड 3 गोल्स देन वी ये भी अच्छा, वी शुड नॉट गिव, लेकिन ये भी ठीक है, तो सर एक बार गूगल पे पूछो इज गिविंग इज इसका मतलब है नेम ऑफ, अरे सब पूछ लिया इसमें देखो लिखा है पढ़ो, टू स्टॉप किसी काम को करने में अपनी असमर्थता को मान, वी शुड नॉट गिव अप इजीली, हमें आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, वी शुडंट गिव अप,
चलो इतना ही रखो. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके कल और लेके आना, फिर और कराएंगे. सर कल हेमोडायनामिकल मेरे करा देंगे. चलो हां भाई मैं ऐसे ही बोल रहा हूं.